सब्सक्राइब करें प्रोफेसर साहब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। बुक्स, रिव्यूज़, मोटिवेशनल वीडियोस, क्लास 10 मैथ्स के इजी एंड कंप्लीट नोट्स और जनरल साइंस की वीडियोस के लिए आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा अरिहंत NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जो है साइंस सब्जेक्ट का और क्लास 9th के लिए है। व्यूअर्स के लिए गिव अवे कॉन्टेस्ट भी है। गिव अवे कॉन्टेस्ट में आपने किस तरह से पार्टिसिपेट करना है ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप मिस ना कर जाएं कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है। NCERT एग्जाम्पलर को लेकर बच्चों के माइंड में बहुत से डाउट रहते हैं और सबसे बड़ा डाउट होता है क्या इसमें NCERT टेक्स्ट बुक के आंसर दिए गए हैं। एग्जाम्पलर और जो अरिहंत का ऑल इन वन साइंस आती है 9th के लिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या इस एग्जाम्पलर में थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है? क्या इस एग्जाम्पलर की लैंग्वेज आसान है? क्या इसमें स्टेप बाई स्टेप आंसर एक्सप्लेन किए गए हैं? तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिव्यू में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है क्या, एक चैप्टर के कंटेंट को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, क्या इसमें थ्योरी और कंसेप्ट को क्लियर किया गया है, बुक की लैंग्वेज कैसी है, क्या इस बुक में कुछ खास है। उसके बाद हम देखेंगे इस बुक में क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एग्जाम्पलर आपको लेना चाहिए या किन लोगों को ये एग्जाम्पलर लेना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे वही हमारा विनर होगा। गिव अवे कॉन्टेस्ट का रिज़ल्ट कब आएगा ये मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं बुक को ओपन करूंगा, सबसे पहले हमारे पास प्रीफेस में आएगा और प्रीफेस में हमें पता चलेगा कि एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होता क्या है। तो इसमें बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, जिसे हम DESM कहते हैं, और जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है जिसे NCERT कहते हैं, दोनों ने मिलकर साइंस और मैथमेटिक्स में ये एग्जाम्पलर बनाया है और जिसका पर्पज़ है स्टूडेंट्स को एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वालिटी क्वेश्चंस हों अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, क्वालिटी के क्वेश्चंस इन फॉर्मेट में बच्चों को देना ही इसका मोटिव है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था ये किन के लिए यूज़फुल है। तो NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे NTSC हो गया, LMPR हो गया, तो इस तरह के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि इस बुक में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है, टफ़ क्वेश्चंस हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पर 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो अगर हम ये एग्जाम्पलर पढ़ लेंगे तो हमें उन 20% क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो इस रिव्यू से पहले हमारे माइंड में थे, जैसा क्या इस एग्जाम्पलर में थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं पहला चैप्टर निकालूं तो चैप्टर निकालते ही हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिखना शुरू हो गए,
यहाँ पर कोई भी थ्योरी नहीं दी गई है। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें कंटेंट को किस तरह से अरेंज किया गया है। तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में क्वेश्चंस और आंसर दिए गए हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सभी चैप्टर इसी पैटर्न में कवर किए गए हैं। अब यहाँ पर मैं लैंग्वेज की बात करूँ कि इस बुक में जो लैंग्वेज यूज़ की है वो कैसी है, तो हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर इस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एमसीक्यूज में थिंकिंग प्रोसेस भी दिया गया है कि उस मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन पर कैसे पहुँचे, ये बताने के लिए उनके माइंड में क्या चल रहा था। थिंकिंग प्रोसेस भी बीच बीच में किसी किसी क्वेश्चंस में दिया गया है जहां पर उसकी ज़रूरत है। अगर आप किसी चैप्टर को देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। अब हमारा सवाल था कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये किताब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स NTSC, ओलंपियाड या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट ये किताब बोर्ड एग्ज़ाम्स और स्कूल एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इसके प्राइस और नंबर ऑफ पेजेस की बात करता हूँ, तो इसका प्राइस है 125 रुपीस और नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो हैं 210, लगभग 210 पेजेस हैं। प्रिंटिंग अच्छी है और ओवरऑल मुझे ये बुक पसंद आई।